हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एक्सी वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, और ये घटना चक्र के टो सीरीज जो बुक निकाला गया है इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं, उसी को हम लोग लगा रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे आज देखेंगे इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो ये सेकेंड लास्ट होगा। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट होगा, लास्ट जो होगा 10 नंबर का, उसको हम इसके आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक वीडियो देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो देखिए, इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर जो होता है वो पत्र के नीचे दाहिनी ओर लिखा जाता है, यानी कि नीचे दाहिनी ओर जो ऑप्शन ए पार्ट दिया गया इसका राइट हो जाएगा, ए पार्ट में इसका आंसर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? अब इसमें ऑप्शन दिया गया पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या फिर बीसलदेव। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रभरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और उनके द्वारा रचित जो है पृथ्वीराज रासो है, जिसको हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इन्होंने माना है। पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें तो 69 सर्ग में यह बद्ध है, और इसमें जो है सबसे बड़ा जो सर्ग है वो कर्णवज युद्ध है, और जो इसकी मूल कथा है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें एक्चुअली हो जाएगा बी पार्ट, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होता है? बंधु शब्द के बहुवचन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन जो ए पार्ट में दिया गया है बंधुओं, ये होता है आंसर, इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो शुद्ध वर्तनी बताना है इनमें से क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी इसमें से लिखा हुआ है अलौकिक, अत्यधिक, बारात और अनधिकार, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। शुद्ध रूप से अगर हम देखेंगे तो इसमें बारात शब्द जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत तरीके से इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, अलौकिक में बड़ा आ ना होके इसमें छोटा आ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें यह गलती की गई है, और अत्यधिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो या पे बड़क मात्रा वो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे यह गलती किया गया है, और अनधिकार में अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी ना पे जो है बड़ा आ का मात्रा नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी शुद्ध बताना है अगले भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे ज्योत्सना शब्द कौन से पार्ट में लिखा हुआ है सही रूप से, तो सी पार्ट में जो ज्योत्सना शब्द लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, मतैक शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, मतैक शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो मत प्लस ऐक बनता है, विच्छेद करने पर मत प्लस ऐक बनता है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे छोटा आ और यहाँ पे ऐ का जो है विच्छेद हो रहा है, दोनों मिलकर ऐ बना रहे हैं, तो ये आता है वृद्ध संधि के उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये वृद्ध संधि का उदाहरण है, आंसर इसका बी पार राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चारण का शब्द विच्छेद क्या होगा? उच्चारण के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो उत प्लस चारण इसका संधि विच्छेद हो जाता है, और ये सी पार्ट में जो दिया गया है ये सही है, उत प्लस चारण। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें कौन सी संधि है तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, जहाँ पे ता का लोप हो जाता है, और यहाँ पे जो इसका लास्ट या पहला दूसरे शब्द का पहला जो शब्द होता है, दूसरे जो है शब्द का पहला जो वर्ड होता है वो क्या हो जाता है, उसी का आधा जो है पार्ट हो जाता है, यानी कि चा मिलकर आधा चा हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में जो है गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में जो गगनचुंबी है ये इसमें कौन सा समास है ये बताना है। तो गगनचुंबी में अगर देखेंगे तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रदान करता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और उनके मिलने से अन्य एक पद जो है प्रधान हो जाता है, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है, आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्गुण में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है, तो निर्गुण में जो है निर शब्द जो है निर उपसर्ग है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे बने हुए अन्य शब्दों की बात करेंगे तो निर्वाह भी होता है जिसमें निर उपसर्ग लगा है, और निर्भय शब्द है जिसमें निर उपसर्ग लगकर ये बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि बे उपसर्ग जो है किस शब्द समूह में नहीं है इनमें से, ठीक है। इसमें बताना है बे उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन है बेरहम बेखुदी, दूसरा है बेदम बेईमान, तीसरा है बाइज्जत बाकायदा। तो देखिए बे इसमें दिया गया तो ये तो वैसे नहीं होगा, और फिर बेसहारा बेइज्जत, ठीक है। तो इसमें तीनों में बताना है क्या हो जाएगा। तो देखिए बाइज्जत और बाकायदा तो बिल्कुल नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। बाकी इसमें बेरहम बेखुदी बेदम बेईमान बेसहारा बेइज्जत ये सब क्या है, ये बे उपसर्ग से निर्मित है, इसमें हमें नहीं है कौन बताना, तो वही हो जाएगा आंसर सी पार्ट, ठीक है। बाकी सारे हैं मिठास शब्द में प्रत्यय बताना है किसका प्रयोग किया गया है। प्रत्यय की बात करेंगे तो शब्द के अंत में लगता है, तो मिठास में जो है आस प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से तत्सम नहीं है। तत्सम की अगर हम बात करेंगे, तत्सम अगर देखते हैं इसमें तो जो इसमें कूची शब्द दिया गया है ये क्या है सी पार्ट में, ये तत्सम नहीं होता। कूची का तत्सम होता है कूचिका, ठीक है। तो कूची का तत्सम क्या होता है, कूचिका होता है, जो कि इसमें क्या दिया गया है कूची, जो कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तद्भव शब्द बताना है। तो इसमें से देखिए अगर 14 जो लिखा हुआ है डी पार्ट में ये है तद्भव शब्द, ठीक है। इसके अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो तत्सम होता है चतुर्दश, ठीक है। तत्सम क्या होता है, चतुर्दश होता है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती शब्द का तत्सम बताना है। तो धरती शब्द का तत्सम जो होता है वो धरित्री होता है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, धरित्री जो कि सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो समुद्र जो है भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन जो है किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो नेपोलियन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है जातिवाचक की संज्ञा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो अपने विशिष्ट गुण के कारण पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं वह क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे भीष्म पितामह गांधी हरिश्चंद्र कालिदास इत्यादि सभी क्या हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु इनकी अपनी एक विशेषता होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। समूहवाचक की अगर हम बात करेंगे तो देखिए डी पार्ट में जो दिया गया सेना, सेना जो है एक समूहवाचक संज्ञा है, क्या बोध कराता है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह के होने का व्यक्त बोध होता है तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। सेना शब्द से क्या होता है, इसमें सेना कहने से लगता है कि बहुत सारे लोग उसमें होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वो आया है, इसमें हमें बताना है कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे सर्वनाम की, तो सर्वनाम देखिए निजवाचक सर्वनाम जो होता है वो हमारे दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ ही आते हैं तथा दोनों लिंगों और दोनों वचनों में समान रहते हैं। निजवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से हैं, आप अपने आप ही स्वयं खुद। तो अब इसमें देखिए जिसको हमने बुलाया है वो क्या है, वो स्वयं वो आया है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, ठीक है। सॉरी इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में अगर देखेंगे तो इसमें जिसको हमने बुलाया था वो आया है, इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब इसमें अगर नेक्स्ट देखते हैं तो मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यहाँ पे क्या है वाक्य में जो विशेषण है सरकारी, इसके अगर हम बात करेंगे तो गलत ढंग से प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर हम इसमें सही ढंग से प्रयोग करेंगे विशेषण में तो ये होगा कि यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर आपका इसमें गलत ही बताना था, तो सी पार्ट से हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं, कविता परिश्रम युवती है ये सही है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा ये भी सही है, वो आदमी अच्छा था लेकिन काम ना आया ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर शब्द किस क्रिया का उदाहरण है ये बताना है। तो अगर इसमें देखते हैं तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। जब कर्ता एक क्रिया के पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पूर्णकालिक क्रिया
हो जाता है तो आंसर आपका इसमें डी पर राइट हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, इसमें से कौन सा है? तो इसमें अगर देखते हैं परिमाणवाचक की बात करें तो इतना शब्द जो है ये परिमाण कहीं ना कहीं दिखा रहा है, तो परिमाणवाचक ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि सर्वदा जो शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण आता है, और सर्वत्र जो शब्द है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, वह कौन से अव्यय होते हैं ये बताना। तो जिनका संबंध, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि के भावों से होता है, विस्मयादिबोधक संबंध के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर ए पार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? इच्छा के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे इसमें से, तो इच्छा के पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो अभिलाषा होता है, आकांक्षा होता है, कामना है, और लालसा है, स्प्रेह है, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। जबकि वृत्रिहा जो ये दिया गया है डी पार्ट में, ये क्या है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। वृत्रिहा जो ये है ये इंद्र का पर्यायवाची होता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का पर्यायवाची क्या है? पुष्प के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे इसमें तो कौन सा हो जाएगा, पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है, इसमें ऑप्शन बताना है, ठीक है। पुष्प के पर्यायवाची की बात करेंगे तो कुसुम, प्रसून आदि होते हैं, और इसमें जो दिया गया है सरसिज, ठीक है, आंसर जो ए पार्ट में दिया गया है सरसिज, ये जो है कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है, कमल का पर्यायवाची होता है। पारिजात शब्द जो दिया गया है यह कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है, और अमृत तो जो है दिया गया है यह क्या है, यह मोक्ष का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना है, तो कर्कश का विलोम होता है मधुर, आंसर सी पर राइट हो जाएगा मधुर। मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है? मूर्त शब्द का विलोम होता है अमूर्त, आंसर जो ए पार्ट में दिया गया यही सही हो जाएगा। आज दसवीं की परीक्षा का जो है क्या आएगा ऑप्शन बताना है रिक्त स्थान पर, तो इसमें जो दसवीं की परीक्षा जो आता है वो परिणाम आता है, आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। पीकर कोयल अपने डैश में जाकर बैठ गई, क्या पीकर कोयल जो अपने कहाँ पर बैठ गई ये बताना, इसमें भरना है। तो देखिए कोयल जो होता है वो नीर पीती, नीर माने पानी, और नीड़, नीड़ माने घोंसला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो नीर और नीड़ दोनों ये भरा जाएगा, तो नीर का अर्थ पानी होता है, नीड़ का अर्थ घोंसला होता है, तो आपका आंसर जो होगा वो ये सॉरी सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ गई। अगला प्रश्न है, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जो पर्वत की तलहटी या निचला भाग जिसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं शब्द में, तो उसको कहा जाता है उपत्यका, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर आपका ये बी पार्ट राइट हो जाएगा। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं, तो जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं पदच्युत, जो कि डी पार्ट में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकोक्त है, का बरखा जब कृषि सुखाने, ये कब कहा जाता है ये बताना है। तो का बरखा जब कृषि सुखाने ये तब कहा जाता है जब कोई काम समय पर नहीं हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए पार्ट हो जाएगा, समय पर काम ना हो, नहीं हो। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विपत्ति मोल लेना, इस वाक्यांश के लिए वो मुहावरों के लिए जो है बताना है अर्थ, विपत्ति मोल लेना के लिए मुहावरा। तो विपत्ति मोल लेना इस मुहावरे का सही अर्थ है जानबूझकर संकट में पड़ना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताना है, कौन सा वाक्य में लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस वाक्य इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य के रूप में जो है निम्नलिखित में से कौन सा होगा ये बताना है। तो प्रश्न के अंतर्गत देखेंगे सरल वाक्य जो दिया गया उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, अगर हम इसका मिश्र वाक्य बनाते हैं तो बनता है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो आंसर आपका इसमें जो है ए पार सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें अगर हम देखते हैं गौर से तो ऑप्शन सी अगर देखते हैं, तो उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, तो ये जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, ठीक है।
और बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, उस वर्ण में प्रातः काल के समय जो दिया गया ये गलत है, उस वर्ण में सुबह के समय ये भी गलत है, उस वर्ण में सवेरे के समय ये भी गलत है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एकवचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो भाववाच्य की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एकवचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष के अंतर्गत आती हैं। तो आंसर आपका इसमें जो है सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है संप्रदान कारक का उदाहरण दिया गया है? तो देखिए, संप्रदान कारक की बात करेंगे तो जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। अगर हम विकल्प सी में देखें, और राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ठीक है, तो इसमें किसी के लिए कोई क्रिया किया जा रहा है तो इसमें क्या है, संप्रदान कारक हो जाएगा। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो सम्मान है इसमें कारक बताना है, कौन सा कारक है? तो इसमें अगर हम कारक की बात करेंगे तो इसमें अधिकरण कारक का ये उदाहरण है, क्योंकि अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह जो होता है वो होता है में, पर, ठीक है, और ऊपर। ये तीन शब्द जो होता है ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो इसमें में दिया गया सम्मान में, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से पुल्लिंग की बात करेंगे तो इसमें संचालक शब्द जो दिया गया है यह पुल्लिंग है, बाकी सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? पंडित शब्द के स्त्रीलिंग की अगर हम बात करेंगे इसमें से, तो आंसर क्या हो जाएगा, पंडिताइन, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, प्रेम न अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षित होता है, ये वाक्य का काल इसमें से पहचाना कि किस काल में जो है ये वाक्य लिखा गया है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये वाक्य जो है सामान्य वर्तमान काल का है। आंसर आपका इसमें ए पार्ट से हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। अगर इसके परिभाषा की बात करेंगे तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण इनमें से नहीं है? तो संख्यात्मक विशेषण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पहला होता है निश्चित संख्यावाचक तथा दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। वाक्य में 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो आम, 50 ग्राम चीनी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जबकि सैकड़ों लोग जो दिए गए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है संख्यावाचक विशेषण नहीं है, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो अंत्याक्षरी जो लिखा हुआ है बी पार्ट में यह सही है, बाकी सारे गलत हैं। सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर की रचना की बात करेंगे तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया, और किसने लिखा गया है, किसने लिखा है, सूरदास के द्वारा ये लिखित है। ठीक है, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पवारी की अगर हम बात करेंगे तो एक होता है बुंदेली, भिंदी भाषा की एक बोली होती है, जबकि पवारी, भदावरी, राठौरी इत्यादि उसकी उप बोलियाँ हैं। तो ये हो जाएगा आंसर सी पार्ट, बुंदेली की। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द कौन सा है? प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो होता है वो होता है अथॉरिटी। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा, अथॉरिटी। ठीक है, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, इसका सही अनुवाद करना है। तो इसका अगर हम सही अनुवाद इंग्लिश में करते हैं तो एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, तो ये इसका सही अनुवाद होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सा तीक्ष्ण का विलोम शब्द इसमें से कौन सा है? तो तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, कुंठित। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ए पार्ट हो जाएगा, कुंठित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? ये भी आ गया आपका जीके का पोर्शन। अगर हम देखें प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक के हम्पी में। ठीक है, तो हम्पी जो दिया गया है ये आंसर सी पार्ट हो जाएगा, कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, यह जो है भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, यह मंदिर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे, दक्षिणी किनारे पर जो है स्थित है, और हम्पी जो थी वो विजयनगर राज्य की राजधानी भी थी। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था? तो उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान में सफलता में उपलक्ष्य में गंगे कोड की उपाधि धारण की तथा गंगे कोड चोलपुरम नामक राजधानी बनाई नई, और नई राजधानी के समीप उसने चोल गंगम नामक एक झील का निर्माण भी करवाया था। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था इनमें से? तो वो था बहादुर, अगर हम देखें बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जुल्फी कारखान नामक सामंत की सहायता से
जहांदार शाह शासक बना और इसका शासनकाल था 1712 से लेकर 1713 तक। ठीक है, जहांदार शाह का, उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जो है जुल्फिकार खां के हाथों में ही था और जो कि वजीर बन गया था। जहांदार शाह एक कमज़ोर और जो है पतित शहजादा था। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो ये पार्ट हो जाएगा, जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में जो पुलिस बल का मुखिया होता था उसको कोतवाल कहते थे, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता, कौन सा गलत है ये बताना है। तो अगर हम गलत की अगर हम बात करते हैं तो गुरु नानक देव का जन्म जो दिया गया है 1506 में, ये गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा, ये मेल नहीं खाता। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तलवंडी नामक ग्राम में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही है। 1333 में इब्ने बतूता जो है भारत आया था, 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, 1498 में वास्को डी गामा जो है कालीकट आया था। तो बाकी सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को गठित हुआ था। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। इसके तहत अगर हम बात करें तो लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन ट्रेन जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी उसको क्रांतिकारियों के द्वारा जो है लूटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता इनमें से थे लाला हरदयाल, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। आंसर आपका इसमें ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब किया था? तो महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट या काला कानून के विरोध में 24 फरवरी 1919 को, ठीक है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह लीग की स्थापना की और गांधी जी इसके अध्यक्ष था, वी जी हनीमैन इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। आंसर ए पार्ट से हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन हैं? तो पंचायती क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क जो सी पार्ट में दिया गया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ग्राम सभा में अगर हम आंसर की बात करेंगे अनुच्छेद 243 खा जो दिया गया है उस अनुच्छेद के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत ग्राम सभा में वह सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं वे शामिल हैं। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें जो बी पार्ट से ही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? तो जो ड्रिप सिंचाई होती है ये ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जानते हैं। आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो वो है स्प्रिंकलर। ठीक है, स्प्रिंकलर या फव्वारा विधि, ये दोनों जो है एक ही है नाम, इससे जो है ये रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए बहुत ही उपयुक्त विधि है। अगला क्वेश्चन है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं और पशुपालन किए जाते हैं उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रकार का जो खेती की जाती है इसको साथ साथ पशुपालन भी होते हैं उसे जीविका कृषि कहा जाता है, जो कि आंसर ए पार्ट में दिया गया। ठीक है, शुष्क हवा सांटा अना ये कहाँ पर बहती है? तो सांटा अना जो है ये दक्षिण कैलिफोर्निया USA में बहती है। तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, कैलिफोर्निया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मनीला डी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखा जो है ये किस देश की मुद्रा है पटाखा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पटाखा जो है ये मकाऊ देश की मुद्रा है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा मकाऊ, जो कि ऑप्शन इसमें दिया गया है वो सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है इनमें से? देखिए, बैंकिंग लोकपाल के बारे में बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बी सी डी तीनों चारों दिया गया है।
और चारों में अगर हम देखते हैं तो आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट में जो दिया गया है बैंकिंग लोकपाल जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। तो आंसर आपका इसमें यही ए पार्ट सही है। ठीक है, ये बैंकिंग लोकपाल के बारे में कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, निवास करते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट अरुणाचल प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है, कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? तो दूसरे स्थान की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका जो है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन है, चीन है। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, ललित कला अकादमी जो उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करती है, इनमें से कौन सा विशेष क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को जो है दिया जाता है? तो अगर इसमें देखते हैं तो ललित कला अकादमी द्वारा भारतीय मूर्तिकला सिरेमिक और कला इतिहास के क्षेत्र में छात्रवृत्ति प्रदान करती है। तो भारतीय मूर्तिकला, कला इतिहास, सिरेमिक और फैशन डिजाइनिंग में कला नहीं देती है। तो आपका आंसर यही डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण में निम्नलिखित में से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें अगर देखेंगे तो अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये बिजनौर जिले में अमनगढ़ में स्थित है, जो कि यहाँ पे टाइगर का संरक्षण या बाघों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो है थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। उत्तर प्रदेश कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो ललितपुर जिला जो है, ललितपुर जिला वहाँ पर जो है क्या तांबा का उत्पादन पाया जाता है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है। ठीक है, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक यह कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है लखनऊ में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया है चित्रकूट में, आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट? तो ये सारे घाट जो हैं ये मिलते हैं आपको वाराणसी में, आंसर जो है इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस के आविष्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये थे डगलस एंगलबर्ट, जिन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? तो पेस्ट कमांड की अगर हम बात करेंगे तो शॉर्टकट जो होता है कि कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। विंडोज़ में लॉग ऑन करने के लिए जो है, लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? तो प्रमुख स्क्रीन एरिया जो होता है उसको कहा जाता है डेस्कटॉप, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस एक्स और लिनक्स ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी उदाहरण की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से? तो एमएस ऑफिस जो है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, बाकी सारे जो है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो किसी पदार्थ का न्यूनतम ताप जिस पर जलने लगता है या आग पकड़ता है वो प्रज्वलन ताप कहलाता है, जो कि पी पार्ट में दिया गया है। सही मिलान की इसमें से पहचान करना है तो माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर के द्वारा किया गया। ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो है वो किया गया था ओटो ब्लाथी। ठीक है, ओटो ब्लाथी उनका नाम था। इसके बाद बैटरी विलियम स्टेनली और वर्नियर कैलिपर्स, ये भी गलत है। वर्नियर कैलिपर्स की नाम की बात करेंगे तो पियर ए वर्नियर थे एक, इन्होंने किया था इसका आविष्कार। और जो है बैटरी के आविष्कार की का बात करते हैं तो ये किया गया था एलेसांद्रो वोल्टा। ठीक है, एलेसांद्रो वोल्टा एक थे, इन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था। तो इसमें सही की अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु जो है वो है क्लोरीन, जो कि आंसर सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संश्लिष्ट अपमार्जक यानी कि सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सिंथेटिक डिटर्जेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से बताना कि कौन सा कथन सही है। तो यह जो होता है वो मृदु कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है,
चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, इसका रोग का कारक जीव कौन सा है? तो चेचक की छोटी माता या स्मॉल पॉक्स जैसे नामों से जाना जाता है, यह एक विषाणु जनित रोग है और यह जो है इसका क्या नाम है, बरसेला विषाणु, ठीक है। इसके वायरस का नाम बरसेला वायरस है, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रत्यूर्जक यानी कि एलर्जन के कारण परागत ज्वर होता है? तो इसके अगर हम बात करेंगे तो ये एक जो है मौसमी एलर्जी है जो बसंत या पतझड़ के मौसम में होती है, ठीक है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो होता है पराग के कारण, आंसर सी पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन की बात करेंगे तो एक कवक अथवा फफूंद से प्राप्त होता है, आंसर डी पर राइट हो जाएगा। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम सीरीज को कहते हैं, इस योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? तो इसमें अगर किया जा रहा है तो 14,500 स्कूलों का विकास किया जा रहा है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है, तो आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। ब्लू ड्यूक को किस राज्य की तितली के रूप में घोषित किया गया है? तो ब्लू ड्यूक की बात करें तो सिक्किम ने घोषित किया है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ये कब किया गया है? जून 2022 में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवंबर 2021 में देश विश्व का कौन नवीनतम गणराज्य बन गया? तो अगर हम इसके बात करेंगे तो बारबाडोस विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है नवंबर 2021 में, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टू यू टू समूह में कौन सा देश शामिल नहीं? तो I2U2 समूह में चार देश हैं, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये जो है यूनाइटेड किंगडम नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता है इगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया, जो कि ये पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता है, इन्होंने अमेरिका की कोको गॉफ को जो है पराजित किया है, ठीक है। और पुरुष एकल का खिताब जो है वो जीता गया है स्पेन के राफेल नडाल के द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जो है कर्नाटक की सिनी सेट्टी ने जीता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिनी सेट्टी सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो मार्च 2022 में ये जो हुआ है ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, और ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ है, तो आंसर से डी पार्ट राइट हो जाएगा, आगरा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था ये 1972 में लागू किया गया था, तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, ये एक एशियाटिक शेर के निवास के स्थल के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गिर वन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गिर वन ए पार्ट। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो कि लास्ट होगा इस पार्ट का, और उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।